तजू राम जपू राम जपू सकल भरम होताजू आकिया हो बनी जई बैर विमाल बैरागन सद्बुद्धि जो इसी प्रकार आपका नाम के गुणगान करें, अतिथियों को सेवा करेंगे। बहन जी की तरफ से 1000 रुपये की दान है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
स्वार्थ भरा हुआ है कि नहीं। हम लोग सुन रहे थे ऐसे कोई कलाकार गा रहे हैं बहुत अच्छी भाषी, अब देखिए कैसे स्वार्थ नहीं भरा हुआ है सभी के अंदर, लेकिन बालिक का इशारा है यदि निस्वार्थी भाव से भक्त लोग पुकार करेंगे चाहेंगे तो दुनिया का सारा सुख मिल सकता है, जो भी चाहेंगे वो सब मिल सकता है। अगर स्वार्थ भरा हुआ है तो लाख गुणगान हो सकते कुछ नहीं होने वाला है। कहा गया है बिना भाव भगवान रमिन है, लाख करे गुणगान भाव में मिलते हैं भगवान, भाव में मिलते हैं भगवान न मिले हैं लाख करे गुणगान, भाव में मिलते हैं भगवान। अगर परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं है तो रात दिन हम लोग क्यों नहीं भगवान को नाम लें, जीवन बिता देंगे, लेकिन मालिक मिलने वाला नहीं है, ना तो सुख मिलेगा ना संतान मिलेगा ना तो भगवान मिलेंगे। दिल से चाह रहे थे बाबा कालिदास निर्गुण निराकार राम को, सच्चे ही दिल से पुकार कर रहे थे महागुरु जंगल में, और उनका पुकार श्रद्धा विश्वास के साथ मालिक आ गए, उस जंगल में दर्शन दिया। और अपने शिष्य बना लेते हैं बाबा कालिदास को, साधु बन गए, महान साधु बन जाते हैं बाबा कालिदास। घर परिवार सभी को त्याग